But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मीडिया न्यूज। तो गाइस आज हम बात करेंगे शज़ाम के फर्स्ट लुक के बारे में, कुछ मूवीज के अपडेट के बारे में और देन शज़ाम के ट्रेलर के बारे में। तो सबसे पहले शज़ाम के जो फर्स्ट लुक है वो एक ऑफिशियल फर्स्ट लुक है जो कि आप देख रहे हो, और देन इनके बूट्स चेंज कर दिए गए हैं और उसके बाद इनकी बेल्ट को चेंज कर दिया गया है जो कि शूटिंग के दौरान काफी अटके है। देन उसके बाद शज़ाम का सैंडिएगो कॉमिक कॉन में पहला वन वीक के बाद आपको ट्रेलर देखने को मिल जाएगा जो कि काफी डिफरेंट होने वाला है। तो इसलिए उससे पहले इसका फर्स्ट लुक लॉन्च करा गया जो कि वो एक बियर शॉप पर बियर पी रहा है। देन यहाँ पर ब्लैक एडम अपकमिंग शज़ाम मूवी में एक कैमियो के तौर पे नहीं होंगे। जी हाँ, ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है क्योंकि ब्लैक एडम अपनी ऑफिशियल मूवी में ही आएंगे। उसके बाद एक और कमाल का अपडेट, शज़ाम मूवी में एक विजिट था जो कि शज़ाम और ब्लैक एडम को पावर देता है, तो फाइनली उसका कैरेक्टर का रोल कर रहे हैं जो कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में ऑलरेडी एक एलियन स्पीशीज का रोल कर चुके हैं। जी हाँ, जैसे कि आप इमेज देख रहे हो यही वो कैरेक्टर है जो कि शज़ाम मूवी में एक विजिट का रोल कर रहे हैं जिसमें काफी ज्यादा पावर है जो कि गॉड का रोल कर रहे हैं। और देन मॉर्टल कॉम्बैट मूवी रिबूट हो रही है, फाइनली इस मूवी को दोबारा से बनाया जा रहा है। देन उसके बाद रोबोकॉप मूवी जो कि बहुत ही अच्छी मूवी है हॉलीवुड की, इस मूवी को भी रिबूट करा जा रहा है, और देन देखते हैं कि इस मूवी को और कितना अच्छा बनाएंगे। उसके बाद स्टैनली का सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पेज दोबारा से उन्हें मिल चुका है जो कि मार्क जुकरबर्ग ने उन्हें दोबारा वापस दिलवा दिया जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि उनका अकाउंट हैक हो चुका था। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पर वेलचेयर के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।